बेटी राहा के जन्म के बाद आलिया भट्ट को किस तरह से अपनी मेंटल इलनेस को लेकर बात करते हुए हाल ही में देखा गया, यकीनन आपको हैरानी हो सकती है। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने बेटी राहा के जन्म के बारे में बात करते हुए कहा और इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें थेरेपी क्लासेस लेनी पड़ती थी मेंटल हेल्थ के लिए राहा के बर्थ के बाद। जी हाँ, नवंबर 2022 में राहा कपूर का जन्म हुआ। 1.5 साल की बेटी को संभाल रही आलिया 31 की एज में पेरेंटिंग रूल्स को लेकर, मॉमी ड्यूटीज़ को लेकर ओपनली लोगों को इंट्रोड्यूस कराती नजर आई अपने सिचुएशन से। 2023 में इंटरव्यू में उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी और कैसे वो थेरेपी से मिल रही थी ये उन्होंने बताया था। रिसेंटली वॉग इंडिया को दिए गए कन्वर्सेशंस में उन्होंने ये बताया है कि कैसे मदरहुड ड्यूटीज़ को बैलेंस करने के साथ प्रोफेशनल फ्रंट को वो बैलेंस करती आई हैं। उन्होंने ये कहा कि थेरेपी क्लासेस वीकली लेती थी वो और अभी भी वो ये काम करती हैं और एंग्जाइटी और फियर्स से निकलने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं वो। जी हाँ, आलिया ने कहा, आई एम ऑलवेज वंडरिंग व्हाट पीपल आर थिंकिंग, मैं बस हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ या फिर लोग सिर्फ कहते हैं सिर्फ प्लेकेट करने के लिए उन्हें। अगर सिर्फ जजमेंट नहीं है तो क्रिटिकल अपने बारे में सोचना जाहिर सी बात है। मैं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी लेकिन अब करती हूँ, थेरेपी के लिए जाती हूँ हर हफ्ते। मैं समझती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में महिलाओं को समझने की और वाकई में आपको बैलेंस करने के लिए लाइफ को ज़रूरत हेल्प की होती है। नेक्स्ट 9 लाइफ से तृप्ति की रिपोर्ट।